नमस्कार मित्रों, IIIT ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जो हमारी 16 डायरेक्शंस होती हैं, 16 दिशाएं होती हैं, सभी दिशाएं आपके क्या क्या काम आएंगी, किस दिशा से हम किस चीज को इम्प्रूव करते हैं और कौन सी दिशा किस चीज की कारक है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसी डायरेक्शन चक्र को जो हमारा डायरेक्शन है, मतलब 16 जो हमारी दिशाएं हैं, उन दिशाओं के माध्यम से आप अपने घर के अंदर से लगाकर जन्म कुंडली के दोषों का भी वर्णन कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर क्या दोष है। आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड पर मैंने 16 डायरेक्शंस बनाई हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे वास्तु चक्र के अंदर 16 डायरेक्शंस का वर्णन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने नॉर्थ लिया है वो 0 डिग्री है, फिर ईस्ट लिया है 90 डिग्री, साउथ 180, वेस्ट 270, और नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर मैंने कॉर्नर बनाया है नॉर्थ ईस्ट। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, फिर आपका साउथ ईस्ट मैंने बनाया है, और फिर आपका वेस्ट साउथ बनाया है, फिर नॉर्थ वेस्ट बनाया है। इन चार दिशाओं से हमने 8 दिशाओं का निर्माण किया कॉर्नर्स को मिलाकर। और जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री तो ईस्ट होता है वो 90 डिग्री होता है, और साउथ वेस्ट 135 डिग्री, और जो साउथ ईस्ट है अग्नेय कोण है, जो इसको आग्नेय कोण बोलते हैं, ये हमारा 135 डिग्री होता है, और जो हमारा नैऋत्य कोण है साउथ वेस्ट, ये हमारा डाउनवर्ड कॉर्नर होता है, ये 225 डिग्री होता है, वेस्ट हमारा 270 डिग्री शनि का कारक होता है, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा और केतु के होते हैं, और ये हमारा जो है वायु कोण है, वायव्य कोण कहलाता है। अब हमने जो हमारे पास ये डायरेक्शन आई उन डायरेक्शन को एक दिशा को दो हिस्सों में लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया, अर्थात नॉर्थ के लेफ्ट में एक डायरेक्शन और बनाई है और राइट साइड में डायरेक्शन और बनाई है। इनको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया और इनके नाम हमने रख दिए जो हमने डिवाइड करा, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है और जो ये कॉर्नर है उन दोनों को मिला के डायरेक्शन दे दिया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बोलूंगा तो आपको पता होगा कि हमने जो 45 डिग्री का एंगल था उसको फर्दर 22.5 डिग्री में और डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल जो हमारा यहां से यहां तक बना ये 22.5 डिग्री का बना है। ये कंप्लीट एंगल जो हमारा था यहां से पूरा एक एंगल जो बनता है यहां तक जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री था, तो हमने इस एंगल को 200 में डिवाइड करा तो 45 के आधे 22.5 डिग्री, तो इस हिसाब से हमने पूरा एक वास्तु चक्र का 16 पदों का निर्माण किया। 16 डायरेक्शन हमारी बनी हुई है, उनके माध्यम से आप पूरी डायरेक्शंस डिवाइड कर लेंगे। अब हमने आपको बताना चाहता हूं इन डायरेक्शनों के पर्टिकुलर नाम रख दिए हमने, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, आगे नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हमारा ईस्ट का कॉर्नर है और नॉर्थ ईस्ट को मिलाया वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ, अर्थात साउथ वेस्ट साउथ को मिलाकर ये कॉर्नर बन गया। इस प्रकार से आपने पूरी 16 डायरेक्शंस बना। सबसे पहले अपने मकान का आपको क्या पता होना चाहिए, सेंटर पॉइंट, आपको सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म स्थान आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म स्थान आप किस प्रकार से निकालते हैं वो आप पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ब्रह्म स्थान को कैसे आप निकालेंगे। तो जो हमारी ये 16 डायरेक्शंस आई, इन 16 डायरेक्शंस को हम अपने ब्रह्म स्थान घर के मध्य बिंदु में रखकर और सभी चीजों को जान पाएंगे कि आपका किस चीज से क्या क्या रिजल्ट आता है। अब मैं आपको पर्टिकुलर एक एक डायरेक्शंस के बारे में बता रहा हूं कि एक डायरेक्शंस हमें किस किस चीज का सपोर्ट करेगी, कि किस चीज से हमें क्या मिलने वाला है। यदि आपके घर के अंदर मान लीजिए बच्चे कम पढ़ लिख रहे हैं, बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई की तरफ कम है, तो आप कौन सी चीज को किस डायरेक्शन को आप इम्प्रूव करेंगे जिससे आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लग जाए। बहुत छोटी छोटी सी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और इन ट्रिक के माध्यम से आप कंप्लीट ये जान पाएंगे कि आपका जो है कुंडली में जो दोष है या आपके घर में जो दोष है वो आप कैसे रिमूव कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा फाइनेंस की दिक्कत चल रही है आपको, तो फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव करना है।
मान लीजिए आपका ध्यान अपने बिजनेस पर नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, तो कंसंट्रेशन कैसे कर पाएंगे आप? तो पूरे वास्तु ग्रिड के माध्यम से आप ये जानेंगे कि कौन से जॉब्स को, 16 जो हमारी डायरेक्शन है, किस जॉब को अगर हम सही कर दें तो हमारा क्या इंप्रूवमेंट होगा। अब धीरे धीरे मैं आपको पहले डायरेक्शन का नाम बताना शुरू करूंगा कि किस काम सा है, कौन सी चीज है। देखिए अब आपको मैं 16 डायरेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन से डायरेक्शन से क्या होता है, ये आप अपना नोट भी कर सकते हैं और आप अपने घर के डायरेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले देखिए नॉर्थ। नॉर्थ जो है हमारा कंप्लीट, आप देखेंगे आपका N4 से लेकर N5 तक का जो जोन है ये मनी अपॉर्चुनिटी का है। यदि आपको धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसको इम्प्रूव करने से आपकी धन से संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब अगला आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है वो कंप्लीट हमारी हेल्थ इम्यूनिटीज को, हमारी बॉडी में क्या इम्प्योरिटीज है, हमारी रोग, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से आप पहचान सकते हैं। अगला हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा क्लियर ऑफ माइंड, अर्थात आप धार्मिक चीजों में कितना मन लगता है, पूजा पाठ में कितना मन लगता है। यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो आपका ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो सेक्शन है ये आपका कहीं ना कहीं खराब है। घर के लोग पूजा पाठ में कम बिलीव रखते हैं या एकांत माहौल उनको पसंद नहीं है या धार्मिक चीजों की तरफ उनका ध्यान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगला हमारा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये वाला जो है, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमें क्या देता है, रिलेशनशिप, हमारे संबंध आपस में कैसे होंगे, आप अपने परिवार में एक दूसरे के साथ आपका क्या संबंध है, बहन भाइयों के साथ, माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, यदि संबंधों में मधुरता नहीं है तो आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो वाला सेक्शन है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होगा, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगला आपका है ईस्ट, ईस्ट पूरा 90 डिग्री है आपका, और ईस्ट में आपका आता है सोशल एसोसिएशन, अर्थात आप सामाजिक रूप से कितने सक्षम है, समाज में आपका क्या मान सम्मान है। यदि आप अपने समाज में मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपका दायरा बढ़ाना चाहते हो आप सामाजिक रूप में, तो आपको कहीं ना कहीं ईस्ट डायरेक्शन को, जो हमारा ईस्ट है E4 E5 को आपको कंप्लीटली इम्प्रूव करना होगा, इससे आप अपने समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठाएं ये बढ़ा सकते हैं। अगला है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पर आपके लिए जो रिजल्ट आएगा वो एक तरह से आप हमेशा अपने आप को एंजाइटी फील करेंगे और यहाँ बहुत सारी चीजें आपके अंदर छुपी हुई हैं, आपका अग्रेशन छुपा हुआ है, आपका टेम्परामेंट छुपा हुआ है। आप यदि आपका टेम्परामेंट अग्रेशन बार बार क्रोधित होना और अंदर अपने आप को असहाय फील करना, तो ये सारी की सारी चीजें आपके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, और ये हमारा जो कॉर्नर है जो साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है E6 और E7 ये दो जो कॉर्नर्स हैं ये हमें थोड़ा क्लियरली बता देते हैं कि कितना टेम्परामेंट्स है, आप कितना सहन शक्ति रखते हो, आपके अंदर कितनी पेशेंस क्षमता है वो आपका बताएगा। अगला जो हमारा कॉर्नर है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका बिल्कुल ये कॉर्नर हो गया। अग्नि कौन बोलेंगे, शुक्र इसका जो है लॉर्ड है, शुक्र आपका ये बताएगा कि यहाँ आप कैसे हैं, और जो शुक्र है ये आपका मेन कॉर्नर जो है रसोई से संबंधित है, आपका खाना कहाँ बनता है, अग्नि कौन में रिलेटेड है, शुक्र इसका कारक है, और इसके अंदर जो मेन हमारा जो कंटेंट आता है हम इससे क्या चीज देखेंगे, आपके पास धन की कितनी लिक्विडिटी है, धन आवागमन क्या है, धन के कोई दिक्कत तो नहीं है या आपके पास बार बार किसी धन को लेकर रुकावट तो नहीं आती है। अगर धन से संबंधित रुकावटें हैं तो आप इसको इस सेक्शन से जॉन पर देख सकते हैं। कैश लिक्विडिटी के लिए जाना जाता है, मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई चीज है तो आपका कैश लिक्विडिटी कितना फ्लो है वो आप साउथ ईस्ट से जानेंगे। अगला आपका जो कॉर्नर है वो है साउथ ऑफ वेस्ट साउथ, अर्थात जो आपके डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आपके जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगी कि आपके बारे में आपके पास पावर्स, आप कॉन्फिडेंट कितने हैं। यदि आपके पास आप अपने आप को असहाय फील कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है या किसी भी चीज में आपके पास हिम्मत नहीं है या बार बार डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो आपको इस कॉर्नर इस पद को सुधारना होगा, तो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंट है वो इम्प्रूव होगा। अगला आपका जो कॉर्नर है वो है साउथ।
ये है रिलैक्स फील्ड, अर्थात आपके जीवन में रिलैक्स नहीं है, बार बार आप अपने आप को जो है एंजाइटी फील कर रहे हैं, और अपने जीवन में रिलैक्स किस किन किन चीजों में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपका पद है वो है S4 और S5। साउथ जो हमारा मुख्य रूप से जाना जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं घर के अंदर भी साउथ और वेस्ट वॉल को भारी रखते हैं, और मुख्य रूप से साउथ और जो वेस्ट वाली वॉल है ये हम ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव इनको भारी रखते हैं, और जो हमारा रिलैक्स ऑफ फ्रेम है, बेडरूम है, इस तरह से हम सारी चीजें साउथ की तरफ, जो भी हम रिलैक्सेशन चाहेंगे वो साउथ में आएगा। अगला हमारा जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट साउथ, अर्थात ये जो हमारी जो डायरेक्शन बनती है इसका जो पद है वो S6 S7 है, और यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर बताता है आप कितना खर्च करोगे, आपका बहुत ज्यादा खर्चा है, घर में धन नहीं रुक रहा है, या आप किन किन चीजों पे खर्च कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर उसको बताएगा आपको। आपके साथ अगला है जो कॉर्नर है हमारा साउथ वेस्ट, ये आपके रिलेशनशिप स्किल्स को बताएगा कि आप में कितनी क्षमता है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में, या आपका रिलेशनशिप मान लीजिए आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं नहीं हो पा रही है, या कोई रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम है, तो जितने भी हमारे रिलेशन संबंध है वो हमारे रिलेशनशिप स्किल्स में आएंगे साउथ वेस्ट में। अगर आपका बच्चा नेक्स्ट जो हमारा जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर आपको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, यदि आप एजुकेशन को याद नहीं कर पा रहे हैं, लर्निंग में प्रॉब्लम है, या आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपका जो साउथ ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है वो एजुकेशन सेविंग के लिए है, आपको शिक्षा से संबंधित एक पद दिया गया है। अगला है आपका वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट बता दिया मैंने आपको एजुकेशन सेविंग का है, अगला जो पद है वो है आपका वेस्ट गेन ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो नॉर्थ था हमारा वो है मनी अपॉर्चुनिटी धन से संबंधित, और ये है वेस्ट गेन ऑफ अपॉर्चुनिटी अर्थात आप कितना लगा के कमाएंगे, कितना आपको प्राप्त होगा, कितना आप गेन करेंगे, ये वेस्ट डायरेक्शन से आपको पता चलेगा। अगला है आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यदि आप डिप्रेशन में हैं, आपको बार बार कोई चीज सता रही है, या आपका दिमाग कुछ में काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो ये कॉर्नर कहीं ना कहीं आपका परेशान आपको करेगा। अगला है नॉर्थ वेस्ट, ये है सपोर्ट बैंकिंग, अर्थात बैंक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ऋण नहीं मिल रहा है, कोई धन लेना है, या बैंक से कोई भी आपको ट्रांजेक्शन के प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ वेस्ट आपका पूरा डायरेक्शन ये बताएगा। और अगला है आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये आपका आपकी पत्नी के साथ आपका सेक्सुअल अटैचमेंट कितना है, आपको सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बताएगा। ये जो हमारे 16 डायरेक्शंस हैं कंप्लीट, ये हमने पूरे वास्तु चक्र के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया है, और आप देखेंगे कि इस चक्र के माध्यम से आप कंप्लीटली अपने घर में जो जोन्स जो जो आपके डायरेक्शंस खराब हैं, कौन कौन से डायरेक्शंस आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली आगे अगली वीडियो में बताऊंगा।